मुझे बहुत वायरल भी है, प्लीज आई हैव टू गो होम।
मेरी टीम इतनी स्पिरिटेड है आज उन्होंने हम लोगों के लिए एक रैप अप पार्टी रखी है सो आई जस्ट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन बट इफ यू आस्क मी आई एम डाउन विद फीवर फिल्म अब कंप्लीट हो गई है कई चीज़ें अड़चने आई और कई मुश्किल आई उनको पार करते हुए अब ये आ रही है फिल्म उसके बारे में कुछ बताया वेल हर फिल्म की एक अपनी जर्नी होती है और इस फिल्म की भी अपनी जर्नी है इट्स ट्रू के शुरू में कुछ दिक्कतें आई लेकिन हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है और तभी हम लोगों को आज सेलिब्रेशन करने का इतना मन कर रहा है क्योंकि वी ऑल स्ट्रगल अ लॉट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट एंड मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि इट वॉज़ वेरी एक्सीडेंटल दैट आई हैड टू डायरेक्ट द फिल्म इवेंचुअली बट वेन इट हैपेंड आई वॉज टेकन अ बैक बट जब मैं प्रोसेस में गई तो मुझे बहुत मज़ा आया सोनू चले गए कई लोग चले गए फिल्म से ये थोड़ा आपके लिए सेटबैक रहा होगा वेल कई तरह के जब आप फिल्म डायरेक्ट करते हैं और भी एक्टर्स के कॉम्बिनेशन डेट्स मुझे नहीं मिल रहे थे कईयों के लिए हम लोगों ने चार्टर्स तक भेजे इतने हर एक चीज़ की अपनी अपनी कहानी है पर इवेंचुअली इफ़ यू आस्क मी इट्स बीन एब्सोल्युटली ग्रेटिफाइंग टू बी डायरेक्टिंग रिलीज डेट तय है यस जनवरी उस दिन दो और फिल्में रिलीज हो रही हैं कितना कॉम्पिटिटिव आपको लगता है कैंसिल हो गया ना आई थिंक आई डोंट थिंक एनी ऑफ द फिल्म्स कमिंग ऑन दैट डे बट इवन इफ इट्स आर द 25th आर फिल्म एज वी सेड इट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर डेट गिवन द सेंटीमेंट्स ऑन दैट दैट डेट पर हां बट इट्स अ बिग हॉलिडे एंड फॉर अस इट्स इंपॉर्टेंट दैट द रेलेवेंस ऑफ द सब्जेक्ट इज विद समथिंग टू डू विद विद द यू नो ईदर रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे फिल्म किस बारे में थोड़ा सा हमें बस तो मालूम है लेकिन दर्शक आज जो देख रहे हैं कंप्लीशन पार्टी पे आपके मतलब मुख से और आपसे सुनेंगे तो बहुत अच्छा Like I said, I'm really unwell today, so I'll take your leave. But हम लोग जो है promo launch करेंगे December में sometime, and we really hope that you guys like it. Thank you so much for coming. आप true झांसी की रानी बन गई हैं, मतलब किस तरह से आपने स्वतंत्रता मतलब पूरे समाज को स्वतंत्रता से दिलाने की सोची है. Thank you, thank you. मैं completion होने दूँ. देखिए हर एक मैं भी आज सोच रही थी कि आज मुझसे सुमित नहीं थैंक यू वेरी मच सुमित मुझसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा हर एक की अपनी अपनी लाइफ होती है आई थिंक हर लाइफ वॉज वेरी ट्रेजिक उसकी ज़िंदगी में इतना संघर्ष था महारानी लक्ष्मीबाई की ज़िंदगी में बहुत संघर्ष था इट्स नॉट अ काइंड ऑफ लाइफ यू विल विश अपॉन एनीबडी दैट यू लाइक और एनीबडी दैट यू लव एंड द सेम विद माई लाइफ आई वुडंट वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू हैव द काइंड ऑफ लाइफ आई हैव हैड और आई एम हैविंग आई डोंट नो वाई बट आई हैव टू फाइट फॉर एवरीथिंग आई हैव टू फाइट फॉर लिटरली एवरीथिंग सिंस आई एम बॉर्न ये वो सिमिलैरिटी तो है मतलब बिना लड़ाई के मुझे कुछ मिलता ही नहीं है सो दैट्स फाइन बट इफ यू आस्क मी आई एम नीदर प्राउड नॉर अशेम्ड आई एम जस्ट ओके विद द वे माई लाइफ इज बट इफ यू आस्क मी डू आई वॉन्ट दिस फॉर माई चिल्ड्रेन डू आई वॉन्ट दिस फॉर एनी वन हू आई लव नो थैंक यू सो मच प्लीज प्लीज प्लीज